नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। कोटेदारों की मनमानी, जनता परेशान, अधिकारी मौन क्यों, नहीं कर रहे हैं कोटेदारों पर कार्रवाई। फतेहगंज पूर्वी में राशन कोटेदारों की मनमानी, भाजपा सरकार के मानकों को जेब में रखकर दबंगई के दम पर 5 के स्थान पर प्रत्येक यूनिट को 4 किलो ही राशन दे रहे हैं, जो दूसरे तराजू से तौलने पर 4 किलो से भी कम है। वहीं प्रति कार्ड पर 1 किलो चना दिए जाने का मानक है, किंतु नगर फतेहगंज पूर्वी के मोहल्ला बाजार जनूबी में स्थित कोटेदार विष्णु अवतार कंधई द्वारा प्लास्टिक के डिब्बे से माप कर चने दिए जा रहे हैं, जो तौलने पर मात्र 658 ग्राम हुए, जबकि 15 सितंबर के बाद के राशन वितरण में सरकार ने 2 किलो चना देने के मानक दिए हैं। पीड़ित राशन कार्डों की शिकायतों पर समाचार कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों द्वारा कोटेदार कंधई से पूछताछ की तो उसका लड़का अंकित और पत्नी बाहर आए, कहने लगे कि हमें भी अधिकारियों को खर्चा पानी देना होता है। उप कोटेदार की करतूत की शिकायतें सप्लाई इंस्पेक्टर अमित सिंह से की जा चुकी हैं, किंतु अधिकारी ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं समझा है, जिससे ऐसा लगता है कि अधिकारी और कोटेदार सब मिले हुए हैं। वह प्रतिमास सैकड़ों राशन कार्ड धारकों का उत्पीड़न कर रहा है, जिससे कार्ड धारकों में रोष व्याप्त है। संवाददाता अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एबीपी 9 न्यूज़, बरेली, उत्तर प्रदेश।